हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, वेलकमिंग यू टू कहानी पाकिस्तानी एंड कम्युनिटी फोर्कलिफ्ट, जो सैल्वेज होम इम्प्रूवमेंट सप्लाईज के लिए एक वेयरहाउस है। क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए आप जानते होंगे कि कूड़े में बहुत सी फेंक दी जाने वाली चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल आइटम्स में बदल कर हम इतनी बड़ी कायनात में अपने इस छोटे से घर यानी ज़मीन की ज़िंदगी बचा सकते हैं। कुछ अर्से पहले तक रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग जैसे जिन तरीकों को अमीर मुल्कों का नखरा समझा जाता था, अब सारी दुनिया इनकी ज़रूरत को मान चुकी है। अमेरिका में इस सिलसिला में क्या हो रहा है, उसकी कुछ एग्जांपल्स आज के शो में ओनली फॉर यू। कहानी पाकिस्तानी का आज यही गोल है। कूड़े से मौसीकी बजाना या आर्ट बजाना, अजीब या एक नया ग्रीन ट्रेंड। अमेरिकन कैपिटल में रिसाइकलिंग होती है यूं। ये बच्चे अपनी समर ब्रेक में कूड़े से खेल रहे हैं अपने वालदेन की इजाजत से। ट्रैश द ट्रैश यानी ट्रैश को मार भगाओ, ये ग्रुप का नाम है जो हमारी पुरानी और ना करा चीज़ों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है और फिर इनका जंगस्टर्स नामी म्यूजिकल बैंड इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ परफॉर्म करता है अमेरिका भर में। क्या कहा, आप भी जंग से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सीखना चाहेंगे? उसके लिए आपको मेरी रिपोर्ट देखनी होगी बहुत गौर से। मौसीकी को सुनकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसको पैदा करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कभी ट्रैश हुआ करते थे। बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रैश। और अगर गौर से देखें तो आपको इनमें इस्तेमाल होने वाले पुराने आइटम्स की झलक भी नजर आएगी। इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने वाले हैं जॉन बर्डोस, जो स्मिथसोनियन आर्ट म्यूजियम के इनोवेशन शो में परफॉर्म करने वाली म्यूजिकल ग्रुप बैश द ट्रैश के फाउंडर हैं। बैश द ट्रैश यानी कूड़े को मार भगाओ। कितना दिलचस्प नाम है, बैश द ट्रैश असल में है क्या? असल में इसका ताल्लुक इस्तेमाल शुदा और पुरानी चीजों से साज बनाने से है, इसलिए ये नाम साइंस आवाज और चीजों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने से मुतल्लिक है। हम आमतौर पर करते ये हैं कि रोजमर्रा की तकरीबन हर चीज ले लेते हैं और फिर साइंस को इस्तेमाल मिलाकर उन्हें अच्छे और दिलचस्प साज में तब्दील कर देते हैं। So where did this idea come about? बहुत साल पहले की बात है, जब लोग रिसाइकलिंग प्रोग्रामों की तरफ रागिब हो रहे थे तो उस वक्त बच्चों को ये बताने की जरूरत थी कि रिसाइकलिंग प्रोग्राम किस तरह काम करता है। बैश द ट्रैश नामी प्रोग्राम की इब्तदा एक तरह से गार्बेज पार्ट से हुई। ये लिहाज से कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाली एक कश्ती थी जिसके जरिए मशरकी साहिली इलाके का कूड़ा करकट ठिकाना लगाया जाता था। ये ही बैश द ट्रैश प्रोग्राम की आगाज की वजह बनी। पूरे अमेरिका में आपके 18 बैंड मेंबर्स हैं, लेकिन आप उनके बारे में बताइए जो आज आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बारे में जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। आज यहाँ हमारा जंगस्टर सेट परफॉर्म करेगा। इसमें 6 परफॉर्मर हैं जिसमें मेरी बीवी और मैं भी शामिल हूँ। मैं और मेरी बीवी मिलकर डांस करेंगे और इसके अलावा हमारे 6 साजिंदे भी हैं और उनमें से कुछ तो न्यूयॉर्क शहर के चोटी के म्यूजिशियंस हैं। जॉन बर्डोस और उनके बैंड ने ट्रैश को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफॉर्म करने का टैलेंट अपने तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि वो इसे बहुत सखावत के साथ दुनिया के साथ भी शेयर कर रहे हैं। Is his blood and you are his victim. I know what you're thinking. Your luck just couldn't get worse. But believe me, it's never for the best. सारे लोगों ने आपके YouTube ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन देखी है जो रिसाइकल्ड या उन चीजों से जिन्हें लोग कूड़ा समझते हैं उनसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सिखाती हैं।
इसके बारे में बताइए. Right, yeah, we put a lot of resources online so that people can use it anytime. It's totally free because I mean, how can हमने इंटरनेट पर अपनी बहुत सी चीजें डाल दी हैं ताकि लोग उन्हें इस्तेमाल कर सकें. ये बिल्कुल मुफ्त है क्योंकि आप कूड़े से सांस बनाने के आइडिया को किस तरह कॉपीराइट कर सकते हैं. इसके पीछे तसव्वुर ये है कि लोग इंटरनेट पर जाएं और वो इन चीज़ों को देखें जो वो बना सकते हैं, बल्कि वो उनमें अपनी दानिश के मुताबिक कुछ और चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं. बुनियादी तौर पर हम करते ये हैं कि हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में लोग किस किस्म की चीज़ें बनाते हैं और फिर हम उन्हें अपने मुताबिक कैसे ढाल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स सो मच रेशा. Remarkable, right? अभी जो आपने देखा ये क्रिएटिव अपसाइक्लिंग की एक परफेक्ट एग्जांपल है. कूड़े से मौसीकी बनाने के अलावा और भी कई क्रिएटिव तरीके हैं अपसाइक्लिंग के, जैसे कि टैंगलवुड वर्क और शबा डबा शीक. कहानी भी नाम जितनी दिलचस्प है, ट्रस्ट मी. टूटा फूटा ड्रेसर, इसका पेंट उतरा हुआ है, इसके तो दराज भी नहीं. देखे तो ये लगता है कि ये कूड़ा है और आप शायद इसको ट्रैश में फेंक दें, लेकिन मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ पे वो कूड़ा को खजाना में यानी आर्ट में बदल सकते हैं. लेट्स गो. जादू की तरह, एक्सेप्ट ये जादू नहीं, अपसाइक्लिंग है. क्या कहा? अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग में फर्क क्या है? ये एक जबरदस्त सवाल है जिसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक एक्सपर्ट से मिलवाती हूँ. अपसाइक्लिंग इज वेयर वी टेक समथिंग. अपसाइक्लिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम कोई चीज लेते हैं और फिर इसे दोबारा बनाते हैं. हो सकता है कि उस चीज को इस काम के लिए इस्तेमाल ना कर सकें जिसके लिए वो पहले इस्तेमाल हो रही थी. वर्क्स के इस वर्कशॉप में सुवरन के साथ काम करने वाले आर्टिस्ट कूड़े को खूबसूरत वर्क्स ऑफ आर्ट, फर्नीचर, डेकोर और ज्वेलरी में बदलते हैं. ये आइटम्स इस स्टोर में बेचने के लिए रखे जाते हैं. कस्टमर्स की बढ़ती हुई डिमांड ने उन्हें इस वर्कशॉप में शिफ्ट होने पर मजबूर किया. इंटरेस्टिंगली, उनकी अपसाइक्लिंग को दरियाफ्त करने की कहानी भी इस अमल की अहमियत, प्रैक्टिकलिटी और अफादियत को हाईलाइट करती है. But I moved across the country. मैं 3 साल पहले कैलिफोर्निया के बे एरिया से यहाँ अपने नए घर में मुंतकिल हुई थी. हमारे पास कोई फर्नीचर नहीं था. एक दिन मेरी नज़र अपने बच्चों पर पड़ी जो लॉन चेयर्स पर बैठे टेलीविजन देख रहे थे, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए. मुझे रंग पसंद है, मुझे डिजाइन पसंद है, लेकिन नया घर खरीदने और इसमें मुंतकिल होने के बाद हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं बचा था. मैंने इसका हल ये सोचा कि पुरानी चीजें बेचने वाले स्टोर्स को चेक किया, लेकिन उन पर भी चीजें कोई बहुत ज्यादा सस्ती नहीं थी. आखिरकार मैं अपनी गाड़ी लेकर सड़कों के किनारे फेंकी गई बेकार चीजों को देखने और नीलामियों में जाने लगी, और फिर वो चीजें लेकर मैंने उन्हें रंग किया. इसके लिए मैंने सीख लिया कि अच्छा रंग कैसे किया जाता है और पेंट भी बनाना सीखा. अमेरिका में जहाँ खराब हो जाने वाले आइटम को रिपेयर कराने से सस्ता काम नया खरीद लेना होता है, वहाँ अपसाइक्लिंग का क्या स्कोप है? It may be something that their grandmother... मुमकिन है कि वो चीज उनकी दादी ने उन्हें दी हो. हो सकता है कि वो उसे खुद से अलग ना करना चाहते हों, लेकिन वो अब उसे इसकी पुरानी शक्ल में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते. वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं इस चीज को नई शक्ल सूरत और नई जिंदगी दे सकती हूँ. See, older furniture is much better made and it has a specific style. पुराना फर्नीचर ज्यादा अच्छे तरीके से बना होता है और इसका एक खास अंदाज होता है जो मुझे बहुत ही पसंद है. एक सेकंड, मैं इस माहौल दोस्त अपसाइक्लिंग की पॉसिबिलिटीज में घूम गई और यहाँ आने का मकसद ही भूलने वाली थी. उस बेचारे पुराने ड्रेसर का क्या फ्यूचर है? What we're gonna do is actually take out the whole center piece. हम दरहकीकत इसके पूरे दरमियानी हिस्से को निकालने जा रहे हैं जहाँ दराजें लगाई जा सकती थी. मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें अपने पास बचे हुए वॉलपेपर की एक छोटी सी झालर लगा दूँ और फिर आपको इसके नीचे दराजों की बजाय सामान रखने की एक जगह मिल जाएगी, और यूँ ये चीज न सिर्फ देखने में खूबसूरत होगी बल्कि काबिल इस्तेमाल और मुफीद भी होगी. I can't see it,
But I know she can, and I can't wait to see. चाहे पैसा या पुरानी चीजों के साथ जुड़ी हुई यादें बचाने के लिए या फिर मुनफरिद आर्ट को दरियाफ्त करने के लिए, ये बात साफ है कि वक्त गुजरने के साथ सू उनके खालिज और कस्टमर्स जैसे लोग पहले से ज्यादा माहौल दोस्त और रिस्पॉन्सिबल बनते जा रहे हैं। हम अपने माहौल को बचा सकते हैं, बस थोड़ा सा ख्याल रखना और क्रिएटिव होना जरूरी है। But this is totally normal. आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। अमरीकी हुकूमत अपने शहरों के रिसाइकलिंग के लिए ना सिर्फ हर मुमकिन सहूलत फराहम करती है बल्कि वाशिंगटन डीसी और कई दूसरे शहरों में रिसाइकलिंग के लिए बाकायदा कवानीन भी मौजूद है। यहाँ रिसाइकलिंग के लिए क्या इकदाम किए गए हैं और आवाम इस बारे में क्या कहती है, बता रहे हैं साकिब अल इस्लाम। ये है कूड़ा और इतना ज्यादा कि सिर्फ अमेरिका में पैदा होने वाले कूड़े से 9,90,000 फुटबॉल ग्राउंड्स को 6 फुट की बुलंदी तक भरा जा सकता है और अगर इसी कूड़े के ट्रक भरकर लाइन में खड़े कर दिए जाएं तो हम बआसानी चांद तक पहुंच सकते हैं। अरे ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अमेरिकन एनवायरमेंटल एजेंसी कहती है कि एक आम इंसान एक दिन में औसतन 4.4 पाउंड यानी 2 किलोग्राम का कूड़ा पैदा करता है। और ये कूड़ा जाता कहाँ है? लैंडफिल्स में भेज दिया जाता है यानी आमतौर पर जमीन में दफन कर दिया जाता है। ये लैंडफिल्स हमारे कुदरती वसाइल को इंतहाई नुकसान पहुंचाता है और ये ना सिर्फ वसाइल बल्कि हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। जमीन में दफन कूड़े से निकलने वाली गैसें दिल और गुर्दे के अमराज में इजाफा करती हैं जबकि जमीन के पानी को भी आलूदा कर देती हैं। तो जनाब बढ़ती हुई इंसानी आबादी से कूड़ा भी इतना बढ़ जाएगा कि जमीन में जगह बाकी नहीं रहेगी, तो इसका इलाज क्या होगा? सिर्फ एक, रिसाइकलिंग, यानी इस कूड़े को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। लेकिन इससे पहले कि कूड़े को रिसाइकल किया जाए इसकी छांटी जरूरी है, यानी रिसाइकलिंग के काबिल कूड़े को दूसरे कूड़े से अलग किया जाना। लेकिन चूंकि ये काम शहरियों की शिरकत के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन डीसी समेत कई अमरीकी शहरों में खास कानून साजी की गई है। वाशिंगटन डीसी रकबे के लिहाज से नहायत छोटा सिटी है लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, यानी 6,50,000 से 1 मिलियन के करीब। इतना ज्यादा ट्रैश यहाँ पर मौजूद डीसी पब्लिक डिपार्टमेंट्स ऑफ वर्क्स हैंडल करता है और हमारे साथ हैं विलियम इजली हु इज द प्रोग्राम ऑफिसर फॉर रिसाइकलिंग। टेल अस अबाउट द प्रोग्राम ऑफ रिसाइकलिंग प्रोग्राम, हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाई डीसी नीड्स इट। बेसिकली इट स्टार्टेड वाशिंगटन में रिसाइकलिंग का प्रोग्राम 1987 में शुरू करने की कोशिश की गई थी जब हुकूमत ने प्लास्टिक और शीशे की बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए बिल पेश किया जो पास ना हो सका, लेकिन फिर 1998 में यहाँ रिसाइकलिंग को कानूनी तौर पर लाजमी करार दे दिया गया। तो जनाब अगर आप वाशिंगटन डीसी में कारोबार करते हैं या किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ 4 से ज्यादा रिहायशी यूनिट्स हैं तो आपको इस बिल्डिंग में पैदा होने वाले कूड़े को रिसाइकल करना पड़ेगा वरना आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है और वाशिंगटन डीसी की हुकूमत आवाम को इस सिलसिले में हर मुमकिन मदद भी फराहम करती है। अब वाशिंगटन डीसी में हर कूड़ेदान के साथ आपको नीले रंग का एक और कूड़ेदान भी नजर आता है। ये कूड़ेदान 5 साल से मौजूद हैं, जिनमें आप पेपर, प्लास्टिक, शीशे, एल्युमिनियम जैसी अशिया को फेंक सकते हैं और डीसी की हुकूमत इसे रिसाइकिल करती है। विलियम कहते हैं कि वाशिंगटन डीसी में कूड़े को दफन करने की जगह ही नहीं है और इस जिम में हुकूमत को दूसरी रियासत की जमीन पर कूड़ा दफन करना पड़ता है जो काफी महंगा पड़ता है और अभी नए ट्रैश कैंस की वजह से ज्यादातर कूड़ा रिसाइकिल करने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता है जिससे माहौल की हिफाजत के साथ साथ हुकूमत को मुनाफा भी होता है, इसलिए हुकूमत इसको खासी संजीदगी से लेती है। Since it's a law, so people who do not recycle, what's the penalty? Basically, हम पहले लोगों को रिसाइकलिंग के बारे में आगाह करते हैं, फिर इनके कूड़े की जांच पड़ताल की जाती है और इन्हें कानूनी नोटिस भेजा जाता है।
इन्हें कूड़े को रिसाइकिल करना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इन्हें खिलाफ वर्जी का नोटिस और 250 से लेकर 1500 डॉलर तक जुर्माना किया जाता है। Assessing, notice of violation. वॉशिंगटन डीसी जैसे छोटे से शहर में शहरी 1500 से 2000 टन कूड़ा रोजाना पैदा करते हैं, यानी करीबन 400,000 टन सालाना, जबकि डीसी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स सालाना 35,000 टन कूड़ा रिसाइकिल करने के लिए भेजता है। इतने बड़े पैमाने पर रिसाइकिलिंग करने के तरीकेकार को समझने के लिए हमने विलियम के साथ वॉशिंगटन डीसी के एक ट्रांसफर स्टेशन का रुख किया, जहाँ शहर का कूड़ा इकट्ठा होता है। Yeah, but that's trash over there though. इस तरफ कूड़े को ट्रकों में भरकर जमीन में दफन करने के लिए भेज दिया जाता है, जबकि हमारे पीछे मौजूद ये सारा कूड़ा जो रिसाइकिल किया जा सकता है और यहाँ से इसे सॉर्टिंग फैसिलिटीज में भेज दिया जाता है, जहाँ कूड़े में से पेपर, प्लास्टिक, शीशे और एल्युमिनियम की अशिया को अलग अलग करके ऐसी सनअतों को भेज दिया जाता है जो इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाती है। क्या आपको मालूम है कि शीशे की एक बोतल को जमीन में जज्ब होने में 10 लाख साल लगते हैं, एल्युमिनियम का एक कैन 500 और प्लास्टिक की बोतल या बैग तकरीबन 450 साल में जमीन के अंदर जज्ब होता है, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ एक एल्युमिनियम के कैन को रिसाइकिल करने से आप इतनी एनर्जी बचा सकते हैं जिससे 100 वाट का एक बल्ब 4 घंटे तक चलाया जा सकता है, और इसी तरह एक टन एल्युमिनियम को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने से 1665 गैलन या 6302 लीटर पेट्रोल जितनी एनर्जी बचाई जा सकती है। और पते की बात यह है कि यह सब कुछ शुरू होता है एक शहरी की अपनी जिम्मेदारी समझने से। आइए वॉशिंगटन डीसी के लोगों से पूछते हैं कि उन्हें रिसाइकिल करना कैसा लगता है और वो इन रिसाइकिल कूड़ेदानों से कैसे फायदा उठा रहे हैं। मैं हमेशा से रिसाइकिल करता रहा हूं और ये हुकूमत का अहसन इकदाम है कि उन्होंने अवाम की सहूलत के लिए ये कूड़ेदान मुहैया किए हैं। ये हमारी जमीन है और हमें ही इसकी हिफाजत करनी है। मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे स्कूल में भी इसके बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग कूड़े को सिर्फ कूड़ा समझते हैं। मेरे ख्याल से हमें इसको एनर्जी समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सर्फिंग करती हूँ, आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग हमारी जमीन के साथ हमारी नेक्स्ट जनरेशन के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए भी बहुत अहम है, लेकिन जब तक पूरी कम्युनिटी इस इशू की अहमियत को ना समझे इसमें कामयाबी नहीं हो सकती। मदीहा अनवर बता रही है कि कुछ अमरीकी अपने बच्चों को रिवायती समर कैंप्स के बजाय कूड़े के साथ खेलने के लिए भेज रहे हैं और उससे वो बच्चों में रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग की अहमियत पैदा करना चाहते हैं। रिसाइकलिंग का लफ्ज सुनते ही जहन में जो पहला तसव्वुर उभरता है वो काट कबाड़ और कचरे का है। इस अमल में कचरे को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया जाता है। दुनिया भर में रिसाइकलिंग की गरज से बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं। प्लास्टिक और कंप्यूटर्स के पुराने और नाकाबिले इस्तेमाल पुर्जों को भी फेंकने की बजाय रिसाइकिल किया जा सकता है। गुज़श्ता कुछ सालों में दुनिया के अंदर रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी के साथ फैला है, मगर क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी अशिया जिन्हें हम अपने घर में नाकारा और फालतू समझकर फेंक देते हैं उन्हें कारामद भी बनाया जा सकता है। आज हम एक ऐसे इदारे अपसाइकिल में आए हैं जिन्होंने रिसाइकलिंग को एक बिल्कुल नया और मुनफरद अंदाज दिया है। कैली और सुजन ने जब 2013 में अपसाइकिल क्रिएटिव रीयूज सेंटर की बुनियाद रखी तो उसके पीछे यही सोच कार फरमा थी कि घरेलू इस्तेमाल की फालतू अशिया को काम में लाने की तदबीर की जाए। Well, Susan and I started Upcycle. मैंने और सुजन ने ये इदारा इटली में रिसाइकलिंग के एक इदारे से मुतासिर होकर बनाया जो हमने इटली की सैर के दौरान देखा था, और हम अमेरिका में इसी नौयत का रिसाइकलिंग सेंटर खोलना चाहते थे। गोया ये दुकान जादू की एक ऐसी पटारी है जहां पर आर्ट से मुतालिक हर तरह का सामान दस्तयाब है।
سوزن مرنڈا اس ادارے کی کو فاؤنڈر ہیں اور کہتی ہیں کہ اپ سائیکل کی کامیابی میں مقامی کمیونٹی نے اہم کردار ادا کیا. We have some businesses who save their cast off goods for us. ہم بہت سے مقامی کاروبار اور دکانداروں کے ساتھ شراکت داری کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. مثلا یہاں قریب میں اینکوں کی ایک دکان ہے جو اپنی اینکوں میں لگائے جانے والے پرانے شیشوں کو ضائع کرنے کے بجائے ہمیں دے دیتے ہیں. ہمارے پاس ایسے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو کپڑا بناتے ہیں, فریم بناتے ہیں, ٹوٹی ہوئی جولری, بوتلوں کے ڈھکن, لکڑی اور تانبے کا سامان, دفتر سے متعلق سامان, سی ڈیز اور ریکارڈز وغیرہ ضائع کرنے لگتے ہیں, انہیں ہم جمع کر لیتے ہیں. اب سائیکل میں نسبتاً کم نرخوں پر آرٹس اینڈ کرافٹس کا سامان حاصل کیا جا سکتا ہے. Rebecca, tell me about your experience over here at the Upcycle. Well, a few years ago I discovered Upcycle. مجھے اور میرے بچوں کو آرٹس اینڈ کرافٹس میں بہت دلچسپی ہے, لہٰذا ہم نے یہاں کی سالانہ ممبر شپ حاصل کی, جس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر کوئی بھی مٹیریل لے سکتے ہیں اور اس سے مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں. میرے بچوں کو پتا ہے کہ زمین کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریسائکلنگ پر توجہ دیں. We really need to start recycling and reusing the materials that we already have. اب سائیکل کی طرف سے بچوں کے لیے سمر کیمپس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, جہاں پر بچے ریسائیکل شدہ چیزوں سے آرٹ کے نمونے بنانا سیکھتے ہیں. I really like art and مجھے آرٹ میں بہت دلچسپی ہے اور میں نے سوچا کہ مجھے اس سمت میں مزید ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے. اب سائیکل کے ساتھ کچھ مفید کام کرنا چاہیے. آج ہم نے سوڈا کین سے جیولری بنائی. We can turn some of these necklaces into bracelets too. I have clasps and things. Do you like that one? Yeah. Summer camp کی اس کلاس میں بہت سی چھوٹی لڑکیاں شریک ہیں. یہ سبھی اپنی اپنی دلچسپی کے مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں. کسی کی دلچسپی واٹر کلرز میں ہے تو کوئی فریم ہاتھ میں لیے دھاگے سے ٹانکا لگا رہی ہے, اور کوئی فریم پر کپڑے سے بنائے گئے درخت میں رنگ بھر رہی ہے. My mom saw this camp. میری والدہ کو اب سائیکل کے بارے میں پتا چلا اور ہمیں یہ سننے میں بہت اچھا لگا. یہاں ہمیں چیزوں کے استعمال کے ایک نئے پہلو کے بارے میں پتا چلا. That we used materials that other people gave away or didn't want anymore. I think it's amazing. For my daughter's 10. Meri bachi 10 baras ki hai aur yahan aati hai. Maine usse bahut kuch sikha hai. Ye dekhkar ke wo recycle ki hui cheezon ko kis tarah istemal karti hai. Kind of what they use to make art. I wouldn't have imagined the things that you could reuse. دنیا بھر میں آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ تلف کیے جانے والی اشیاء اور کچرے کی شرح میں بھی بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے, مگر بہت سا کچرا ایسا ہے جسے بہتر مصرف میں لانا ممکن ہے. مثال کے طور پر پلاسٹک سے بنے یہ کھلونے دیکھیے, جنہیں مکمل طور پر پرانے پلاسٹک کو پگھلا کر نئے کھلونوں کی شکل دی گئی ہے. سوزن کہتی ہیں کہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں مختلف انداز سے سوچنا شروع کریں. Like to share with people is میں اور کیلی چیزوں کو ان کی خصوصیات کی بنا پر پرکھتے ہیں, اس بنیاد پر نہیں کہ ان کا نام کیا ہے یا انہیں کیسے استعمال کیا جاتا رہا ہے. پلاسٹک کا ڈھکن شاید بہت سے لوگوں کے لیے بیکار چیز ہو, مگر یہ موسم کی سختیاں جھیل سکتا ہے. آپ اس میں سوراخ کر کے دھاگے میں لٹکا سکتے ہیں, آرٹ کی چیزیں بنا کر باہر لگا سکتے ہیں. It's really important along with the idea of reuse is looking at things for their characteristics and not just what they were called. تو کیا آپ سوزن کی بات سے اتفاق کرتے ہیں, اور کیا اپ سائیکل کی کہانی دیکھ کر آپ کا ناکارا اور فالتو چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بدلا؟ انفرادی سطح پر ہم سبھی اپنے گھر میں موجود ناکارا اشیاء کو ایک نئے طریقے سے برتنا سیکھ سکتے ہیں, اور ریسائکلنگ پر توجہ دے کر اپنی زمین کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں. سی, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ریسائکلنگ اور اپ سائیکلنگ آر دی وے ٹو دی فیوچر. Don't worry, میں ابھی بھی یہاں پہ ہوں, لیکن اب میرا جانے کا وقت آ چکا ہے اور آپ کو بتایا آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.